एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज बहुत टाइम बाद फिर से व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज टाइम मिला है। तो आज अब पूरी गैंग जा रही है बुदापेस्ट, हंगरी, जो यहाँ यूरोप का ही कंट्री है और उसका ही कैपिटल है बुदापेस्ट। तो वहाँ पूरी गैंग जा रही है। अभी बस घर से निकले हैं और सुबह के बजे हैं 6, तो बस अभी एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ से हमारी फ्लाइट है बुदापेस्ट की, तो मौज काटे के बुदापेस्ट में, और बस अभी डायरेक्ट मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पर। फाइनली पहुँच गए बर्लिन के एयरपोर्ट पे, और चेक इन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी बस फ्लाइट की ओर, विमान की ओर जा रहे हैं, और देखते हैं भी हमारा विमान कब उपड़ेगा। तो ये है बर्लिन का एयरपोर्ट कुछ इस तरह से। ये पूरा ड्यूटी फ्री का एरिया है अभी तो, और ये बच्चे लोग खड़े हैं जो हॉस्टल में से भाग के आए हैं। और इसीलिए इसको घर से बाहर नहीं निकालता हम कभी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और आज हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्जने जा रहे हैं, वो ये है कि आज तक सबने सामान चढ़ाया होगा विमान में, आज हमें खुद एक ऑटो रिक्शा चढ़ाने जा रहे हैं विमान में। ओ, और ये आ गई है वो कुछ अलग अलग कंट्री से, ये अलग कंट्री से आ गई है कोई, इसका नाम नहीं पता, लेकिन कोई नहीं, अभी फाइनली प्लेन में बैठ चुके हैं। तो अभी यहाँ से ये प्लेन हमारा उड़ेगा आकाश में, और हम रोड से जाएंगे बुदापेस्ट। आकाश से उड़ेगा और रोड से जाएंगे। अबे साले, मौज काटे के बुदापेस्ट। और ये दादा हमको लेने आए हैं। गैंग पहुंच गई है अभी होटल में। मुन्ये मुन्ये तेंगे तेंगे रिपेयरिंग वालों, जो कुछ कुछ लोग होते हैं ना घर से पहली बार बाहर निकलते हैं उसमें ऐसे। बुदापेस्ट काट रिवर, और यहाँ सामने है वो चेन ब्रिज, और वहाँ पे जो दिख रही है वो है बुदापेस्ट की पार्लियामेंट। यहाँ पे नाइट में व्यू ज्यादा अच्छा आएगा, वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सब लाइटिंग और क्रूज जो चलती है नाइट में, रिवर क्रूज नाइट में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नाइट में ही ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। पहले बुदा और पेस्ट दो अलग अलग सिटी थी, बाद में जो सामने वो चेन ब्रिज दिख रहा है ना, वो उसके पास ही जा रहे हैं हम। तो वो ब्रिज बना के उसको दोनों सिटी को जोड़ा गया है, पहले बुदा और पेस्ट दोनों अलग थे। पूरा सामने भी ब्रिज है, और यहाँ पे वो आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा घर है शायद, पूरा सिटी जैसे पहाड़ पे ही ऐसा सब कुछ।
हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लेकिन है बहुत बढ़िया। मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन है बढ़िया। शाबाश बेटा, मौज काट रहे बुदापेस्ट में मौज, लेकिन इतनी भी मजा नहीं आ रही अभी तक। जो मेरे सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, वो उसमें एक साइड बुदा करके सिटी था और एक साइड पेस्ट करके सिटी था। उसके बाद यहाँ पे जो है चेन ब्रिज बना दिया, इसलिए बुदापेस्ट एक हो गए। और यहाँ पे अजय देवगन का एक मूवी भी शूट हुआ है, सॉन्ग का, इसी ब्रिज पे। हम दिल दे चुके हैं सनम करके उस मूवी का नाम है, देख लेना। उसमें जो एक सॉन्ग है उसका शूट या इसी ब्रिज पे ही हुआ है। पेस्ट में हमको नाइट में मोटा सा फजर फारका मिल गया है, और इस फजर फारके में हम बैठने वाले हैं। फजर फारका बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी ऊपर जाके पता चलेगा वहां से बुदापेस्ट कैसा दिखता है। और ये है हमारा फजर फारका, और इसको बोलते बुदापेस्ट की नाइट लाइट। हाँ, और ये दोनों थोड़े घर से अलग भी पड़ गए है, ये तो पहली बार ही बाहर निकला है घर से। तो हम कल वहां जाएंगे। और ये जो हम दिन में आए थे वो चेन ब्रिज, ये पूरा चेन ब्रिज है, नाइट का व्यू। वैसे तो यहाँ पे नाइट में ही अच्छा लगता है, दिन से अच्छा तो नाइट में ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पूरी रिवर है और उस पर क्रूज पार्टी भी है। और ये सामने जो दिख रही है वो बुदापेस्ट की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो कल दिन में भी वहां जाएंगे और नाइट में भी वहां ऊपर जाके दिखाऊंगा। आज है हमारा बुदापेस्ट में दूसरा दिन, और अभी हम आए हैं यहाँ पे कुछ पहाड़ जैसा है, उस पर चढ़ने सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गिरनार चढ़ रहे हैं, थक भी गया है, लेकिन सामने अच्छी चीज आई है। आया है ये कुछ महल, यहाँ पे यहाँ के राजा शायद रहते भी होंगे, क्रिकेट भी खेलते होंगे, हमें क्या पता, लेकिन थे यहाँ पे कुछ। तो ये सब चढ़ रहे हैं, ना 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 ना, छोकरा चढ़ गया, वो नहीं थका लेकिन हम थक गए। यहाँ से भी पूरा सिटी का व्यू अच्छा आता है बहुत। अभी यहाँ से तो बहुत ऊपर जाना है, इतने ऊपर जाना है। ऊपर तक आए, एक तो इन लोगों ने टिकट भी ली और ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़वाई। इतनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी कि एक साथ दो जन तो निकल ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ ऊपर आके पूरा बुदापेस्ट सिटी दिख रहा है, पूरा का पूरा। और इतना सुंदर व्यू है कि एक बार यहाँ ऊपर जो भी बुदापेस्ट आ रहे उसको आना ही चाहिए। थोड़ा ऊपर है, थक भी सकते हो 200 स्टेयर से, लेकिन व्यू दिखाता हूँ, बहुत सही है व्यू।
वेलकम बैक टू अनदर डे फ्रॉम बुदापेस्ट। आज तो हमारा यहाँ तीसरा दिन है बुदापेस्ट में, और सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके हम सिटी पार्क है बुदापेस्ट का, वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ से अभी आज जाएंगे हम कोई फ्यूनरल करके एक जगह है, हिल फ्यूनरल फ्रूनल ऐसा कुछ नाम है वहाँ पे। वहाँ पे कोई राइड है, ट्रेन ऐसे ऊपर जाती है और डायरेक्ट नीचे आती है। यहाँ सिटी पार्क में अभी आए, सिटी पार्क में घूम के फिर वहाँ जाने वाले है। और बाद में कल हम जाने वाले थर्मल बाथ पे, और आज शाम को शायद साइट सीइंग टूर भी करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं। तो अभी मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे दूसरी जगह पे। भूतिया कासल है ये, भूतिया कासल मारी जेऊ भूतिया। पहला ना वो पहला हंगरी के लोग यहाँ से वो डायरेक्ट लाइट करते थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती थी। और इस यहाँ पे सुरंग भी थी, और ये इन लोगों का क्रिकेट खेलने का मैदान भी था, अभी भी है लेकिन क्योंकि अभी सब क्रिकेटर, हाँ अभी सब क्रिकेटर घूमने गए हैं पूरा या स्टेडियम। ऊपर राजा बैठ के क्रिकेट देखते थे और कभी कभी फुटबॉल भी खेल लेते थे। पहले के टाइम पे ऐसी पाइप भी थी यहाँ पे, और उसमें एक टाइम पे पानी होता था, लेकिन सारी मछलियाँ चली गई तो पानी सूख गया। ये है हमारा इंडिया गेट जैसा, इन लोगों का भी कुछ ब्रिज का गेट। सामने भी एक ब्रिज है और उसके पीछे भी एक ब्रिज है, वहाँ भी एक ब्रिज है। मतलब ये दोनों सिटी अलग थी, तो इन लोगों ने ब्रिज बना के सबको जोड़ ही दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। और यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है। अभी फाइनली हम जा रहे हैं क्रूज पे, बोट क्रूज पे साइट सीइंग टूर करने यहाँ पे बुदापेस्ट में। वेलकम बैक टू अनदर डे फ्रॉम बुदापेस्ट। तो आज है हमारा चौथा दिन, और आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल बुदापेस्ट में। तो अभी देखते हैं यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल कैसा है क्या है, और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी मिलते हैं डायरेक्ट इस्कॉन टेम्पल पे। तो ये है यहाँ का इस्कॉन टेम्पल पूरा, अभी जाके अंदर दिखाते हैं। अगर वीडियो शूटिंग करने देंगे तो दिखाता हूँ, वरना देखते हैं। लेकिन बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है बुदापेस्ट में। इस्कॉन टेम्पल है पूरा, बहुत बड़ा है। ये है पूरा बुदापेस्ट का इस्कॉन टेम्पल, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत मतलब बहुत बढ़िया पूरा। और यहाँ के लोग भी इसमें बिलीव करते हैं। ये सब जो आप देख रहे हो ये सब शायद फॉरेनर ही लग रहे हैं, सब लोग यहाँ पे बिलीव करते हैं। अभी देखते हैं क्या है आगे। और बहुत बड़ा बनाया है। हमने ले लिया 250 करोड़ की कार यहाँ बुदापेस्ट में, और स्वामी चला रहा है 250 करोड़ की कार। अगर आपको मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये असली है। आज फाइनली हमारा लास्ट डे था बुदापेस्ट में, और अभी हम जा रहे हैं वापस बर्लिन।
फ्लाइट में अभी हमारा चेकिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी तो 11 बजे हमारी फ्लाइट है एक घंटे के बाद, तो अभी ड्यूटी फ्री में घूम रहे हैं। बुदापेस्ट में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और बहुत घूमे। जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है और जो भी यूरोप में रहता है और यहाँ अगर या तो इंडिया से आना चाहता है, यहाँ बुदापेस्ट एक बार ज़रूर आना। और एक टूरिस्ट प्लेस ही है वैसे तो, बुदापेस्ट पूरा टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हंगेरी थोड़ा छोटा देश है और उसमें का उसका मेन सिटी बुदापेस्ट कैपिटल वो एक ही मेन सिटी है। पर आप तीन चार दिन में आप आराम से पूरा सिटी घूम सकते हो। तो अभी फाइनली बैक टू बर्लिन, बहुत मज़ा आया, तो मिलते हैं अभी डायरेक्ट बर्लिन। गाइस अभी हमारी ट्रिप हो चुकी है ख़त्म और अभी बैक टू बर्लिन फ्लाइट में बैठ चुके हैं। एक घंटे में वापस बर्लिन पहुंच जाएंगे। अगर ये मेरा पूरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ट्रिप बहुत जल्दी करेंगे श्योर, उसका भी व्लॉग आएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ करते हैं। लेकिन इस व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।